तो हे गाइस, हमें राज और आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल ईटीसी वर्ल्ड में। आपको बताएंगे कि जीवन प्रमाण पत्र, जिसको हम वृद्धा केवाईसी, वृद्धा पेंशन केवाईसी बोलते हैं, या फिर विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन, वो फिर से शुरू कर दिया गया है ई लाभार्थी के पोर्टल पे। आप किस तरह से कर पाएंगे, हम आपको लाइव प्रोसेस करके बताएंगे और लाइव करके बताएंगे ऑनलाइन की कैसे करना है। किसी भी तरह की आपको कभी गलती नहीं करना है, हम आप इसमें वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आइए वीडियो को लास्ट टाइम तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को लिए सब्सक्राइब, इसी तरह की अपडेट के लिए। आइए करते हैं। आपको आना अपने क्रोम ब्राउज़र पर, यहाँ आपको लिखना है ई लाभार्थी लिखना है। ई लाभार्थी जैसे लिखिएगा तो आपके साइड पास ये कुछ साइट आ जाएगा जो कि नाम है ilabharthi.bihar.nic.in। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास सी एस सी है, वही लोग EKYC जो है कर सकते हैं, वृद्धा पेंशन या फिर विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन का। यहाँ पे सेकंड लिंक एक्टिवेट कर दिया, यानी कि फिर से चालू कर दिया, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि जीवन प्रमाण पत्र 2020 EKYC फिर से हुआ शुरू। तो फिर से हो चुका है, कुछ दिन पहले ये टेक्निकल इशू कारण बंद था, अब शुरू कर दिया गया। सेकंड लिंक है यहाँ पे ई लाभार्थी लिंक फॉर CSC लॉगिन, इस पर क्लिक करना। अगर आपके पास CSC है तो आना है आपको यहाँ पे CSC विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट कर लेना है यहाँ से। या फिर देखिए, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि किसका ऑथेंटिकेट हुआ है, लिस्ट जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लिस्ट भी जान सकते हैं। हम क्या करते हैं, लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट पर जाते हैं, कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे करने के बाद देखिए मेरा यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे मेरा CSC ID यहाँ पे आ चुका है और यहाँ मेरा मेल ID दिख रहा होगा। अब यहाँ आपको सर्च करना है। आप यहाँ तीन चीज़ से सर्च कर सकते हैं, एक अकाउंट नंबर से। ये वही लोग कर सकते हैं जिनको कि लाभार्थी का पैसा मिला, जैसे कि विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन या फिर वृद्धा पेंशन। तो आप अकाउंट नंबर से, आधार कार्ड से या किसी से सर्च कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास आधार कार्ड है, तो मैं आधार कार्ड से सर्च कर लेता हूँ जो भी डिटेल्स है। तो जो डिटेल्स होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे और आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत ही स्टेप है, वो करना है। सर्च पे क्लिक कर देते हैं। सर्च पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे नाम आ चुका है, जो भी नाम है आपके आधार कार्ड में आप उसके बारे में मिला लें, तो बिल्कुल नाम आ चुका है। और यहाँ पे आप पूछा जा रहा है कि आपके जो है बैंक अकाउंट, यानी कि नेम ऑफ आधार कार्ड में क्या नाम है, आप उसको यहाँ पे डाल दें। तो जो आपके आधार कार्ड में नाम होगा वो डाल देना है। आपका डेट ऑफ बर्थ एक बार मैच कर लीजिएगा कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिला होगा तो आप उसको मिला भी लेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल के, आपका जो वार्ड आता है वो डाल के यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट करना है। नीचे यहाँ पे आपका जो मॉर्फो लगा होगा उससे वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। हम आइए इसको फटाक से फिट कर देते हैं बहुत तेज़ी से। मैंने सारा कुछ यहाँ पे फिल कर दिया। आपको डेमोग्राफी ऑथर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ये आपका जो मॉर्फो है वहाँ पे जो है जलना शुरू हो जाएगा। देखिए बोला जा रहा है कि डेमोग्राफिक अथेंटिकेशन फील्ड बता रहा है बार बार, ऐसा क्यों हमारा जरा देख लेते हैं। तो हम इसको क्लिक करके दूसरा चॉइस कर लेते हैं। डेमोग्राफी अथेंटिकेशन फील्ड बार बार पता नहीं क्यों बता रहा है, तो एक बार हम चेकआउट कर लेंगे इसको, क्या प्रॉब्लम इसमें आ रहा है। चलिए पर हम फिर से कर लेते हैं इसको, एक बार थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा मॉर्फो जो है वो जलना शुरू हो चुका है और यहाँ पे मैं अब ऑथेंटिकेट कर लूँगा एक बार। यहाँ पे जैसे इनका अंगूठा आएगा, जैसे कैप्चर होगा, ये आपको मैं अच्छी बात क्लियर कर दूँ कि आपको यहाँ पे सेक्शन दिया रहता है कि किस सेक्शन से किसके थ्रू जो है आप यहाँ पे करते हैं। ऑथेंटिकेट डन हो चुका है, यहाँ पे देखिए कैप्चर डन लिखा चुका है। ऑथेंटिकेट पे नाव पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये मुझसे जो है ₹5 सर्विस फी जो है चार्ज करने बोले पे करने को बोलता है। अब अगर आप सर्विस CSC से कर रहे हैं तो आपका CSC ID नज़र आएगा, आपका आधार नंबर नज़र आएगा और यहाँ पे ऊपर पे सर्विस नाम लिखा रहता है ई लाभार्थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बिहार। पे नाव पे फी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपका जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि एरर कोड 807, ये मतलब कि आपके इनकरेक्ट मतलब करके मैसेज कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके जो CSC का जो वॉलेट है उसमें पैसा शायद नहीं होने के कारण भी आपका ऐसा मैसेज आ सकता है। तो आपके CSC के वॉलेट में पैसा हरदम रहना चाहिए क्योंकि वो वहाँ पे ₹5 काटता है। मैं भी आगे उम्मीद करते हैं कि आपके इसमें होगा। आइए हम कटवा देते हैं क्योंकि एक बार मैं अपना चेकआउट करता हूँ कि मेरे CSC वॉलेट में पैसा है या नहीं। तो शायद मेरे CSC वॉलेट में पैसा होना चाहिए, ₹122 समथिंग है और यहाँ शायद ये नहीं लिया। तो मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो चुका है। पेमेंट लेने में कुछ कठिनाई आ रहा था क्योंकि मेरे उस वॉलेट में पेमेंट नहीं था। अपने में पहले से पेमेंट डाल लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा गया बैंक नाम, यहाँ पे बाय ऑथेंटिकेशन एट्रेशन लिखा, ऑथेंटिकेटेड लिखा गया। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा ऑथेंटिकेटेड लिखा जाएगा और इस तरह से आप डेमोग्राफी ऑथेंटिकेटेड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। हरदम याद रहे कि आपको ₹5 का पे करना होता है, वो आपको पे करना है। इस तरह से आप जब कर लेंगे तो आपका ऑथेंटिकेट हो जाएगा। ऑथेंटिकेट होने के बाद आपको यहाँ पे स्टेटस में लिखा जाएगा डेमोग्राफी वेरिफिकेशन वेरीफाइड लिखा जाएगा और कब किस डेट में, वो भी आपको यहाँ पे शो करता है। और बैंक जो है वेरिफिकेशन और यहाँ पे वो बैंक नाम भी दिखा देगा। दोस्तों इस तरह से आप जो है अपना ई लाभार्थी पोर्टल पे आके आप सबमिट जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन कर सकते हैं किसी भी का, वृद्धा विधवा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन। तो इस तरह से आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया ही होगा।